हेलो गाइस, मैं हूं अभिषेक और आप सब देख रहे हैं स्टडी पे तभी। तो गाइस, राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। जो आपकी परीक्षाएं 2020 में होने वाली है उनके लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है ऑनलाइन। ओके गाइस, तो अभी आपके 15 फरवरी से एग्जामिनेशन जो है वो स्टार्ट हैं सभी कक्षाओं के। तो उससे पहले 13 और 14 तारीख में आपके जो एडमिट कार्ड है आपके कॉलेजेस में आपको दे दिए जाएंगे। और उससे पहले अगर आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो आप मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके गाइस, तो वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें। ओके गाइस, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आपको ये लिंक मिल जाएगी, इस वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप हमारे कमेंट सेक्शन में चले जाएंगे नीचे, जहाँ पर आप कमेंट करते होंगे वहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा। जैसे आप क्लिक करोगे आप इस वेबसाइट पर आ जाओगे। लेकिन आपको थोड़ी सी बातें यहाँ पे ध्यान रखनी है। पहली चीज़, यहाँ पे आपको कैंडिडेट फॉर्म नंबर डालना है। ओके, आपको फॉर्म नंबर कैसे मिलेगा? देखिए, आपने जिस भी ईयर में आप हैं वहाँ अपना एग्जामिनेशन फॉर्म ऑनलाइन कराया होगा। ओके, जैसे आप फर्स्ट ईयर में हैं तो फर्स्ट ईयर के लिए कराया होगा, सेकेंड ईयर के लिए, थर्ड ईयर में होंगे तो थर्ड ईयर के लिए कराया होगा। तो उस एग्जामिनेशन फॉर्म में जैसे आप ऊपर देखेंगे तो आपको यहाँ पे आपको फॉर्म नंबर आपका मिल जाएगा। ओके, या फिर आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उनमें आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपको फॉर्म नंबर मिल जाएगा। वैसे एग्जामिनेशन फॉर्म में आपको जो आपके आपने कराया होगा तो आपने एक कॉपी जमा कर दी होगी, कॉपी आपके पास होगी, तो उसमें आपको एग्जाम जो आपका कैंडिडेट फॉर्म नंबर है वो आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ, आपको जो आप जो आपके एडमिट कार्ड के आपके वगैरह में लिखे हैं वही आपको लगानी है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे एक चीज़ और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ऐसे महाविद्यालय जिन्होंने मुख्य परीक्षा 2020 का शुल्क जमा कर दिया है, मात्र उन महाविद्यालयों की प्रस्तुत वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध हैं। जमा कर दिया होगा तभी आपको यहाँ पे आपको एडमिट कार्ड आपको मिलेगा। ओके, अन्यथा आपको अपने कॉलेज में जाकर लेना ही होगा। ओके गाइज, भी आपको अपने कॉलेज में जाकर एडमिट कार्ड कर लीजिएगा और उसे चेक कर लीजिएगा कहीं भी कोई भी मिस्टेक, ठीक है, सारी चीज़ें को चेक कर लीजिएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।